कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के नेता ही पार्टी को डुबोने में लगे हुए हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस के एक नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसी मांग कर दी है जिसे जानकर लोग काफी हैरान हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की खूब किरकिरी हो रही है। महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी कांग्रेस को अब गांधी जी की तस्वीर से आपत्ति होने लगी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहां के विधायक ने ऐसी मांग कर दी है जिस पर देश भर में बवाल हो सकता है और कांग्रेस बुरी तरह फंस सकती है। मामला यह है कि कोटा के एक कांग्रेस विधायक जिनका नाम भरत सिंह है, उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। इस लेटर के जरिए उन्होंने मांग की है कि 500 और 2000 की नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाए। भरत सिंह ने इसके पीछे दलील दी है कि महात्मा गांधी सच के प्रतीक हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर होती है और इन नोटों का दुरुपयोग होता है रिश्वत लेने में और भ्रष्टाचार फैलाने में, इसीलिए तस्वीर हटाकर सिर्फ चश्मा या अशोक चक्र की तस्वीर लगा दी जाए। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने पत्र में लिखा है कि 75 साल में देश और समाज में करप्शन फैल गया है और समाज में भ्रष्टाचार फैल गया है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजस्थान में एसीबी विभाग अपना काम कर रहा है। साथ ही प्रदेश में पिछले दो सालों में जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक 616 ट्रैप कर दर्ज किए गए और इसमें ज्यादातर 2000 और 500 के नोटों का प्रयोग होता है। इसके साथ ही इन्होंने लिखा है कि छोटे नोट गरीबों के काम आते हैं लेकिन विधायक ने ये मांग कर अपनी तो फजीहत कराई ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी की भी भारी फजीहत करा दी। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने राजस्थान सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनकी माने तो प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़े हैं, ऐसे में जब सरकार कांग्रेस की है तो भ्रष्टाचार कैसे बढ़ गए, इसका जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। वहीं दूसरा सवाल ये कि अगर यही बात बीजेपी की तरफ से कोई कह दिया होता तो कांग्रेस उसे गोट से समर्थक बताकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू कर दी होती, लेकिन बात अपने विधायक की है इसलिए पार्टी चुप है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।